हाउ टू क्रिएट गिल्ड इन फीफा, फीफा में गिल्ड कैसे बनाए। सो हे गाइस, वेलकम बैक सभी को। तो आज हम गाइस बात करने वाले कैसे आप लोग फीफा इन द गिल्ड बना सकते हो, जी हाँ, कैसे एक प्रो किल बना सकते हो इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद कैसे उस गिल्ड के अंदर बंदे को ऐड कर सकते हो, कैसे कस्टम रूम कार्ड ले सकते हो, उसके बाद कैसे किसी को ऑफिसर बनाना है, कैसे गिल्ड को मैनेज करना है, मतलब जितनी भी कुछ होता है सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। ये हुई ना बात। एंड गिल्ड एकदम प्रोफेशनली आप लोग बना सकते हो, एकदम अच्छे से आप लोग बना पाओगे, फिर आपका गिल्ड में सभी लोग आना चाहेगा। तो कैसे करने नहीं करने, कैसे आप लोग गिल्ड बना सकते हो, एंड गिल्ड बनाने के लिए क्या चाहिए नहीं चाहिए जो भी कुछ होगा सबको सबको वीडियो के अंदर पता चलेगा। और अगर आप लोग गाइस मेरे गिल्ड के अंदर आना चाहते हो, भी वेज वाले गिल्ड के अंदर आना चाहते हो, तब भी आप लोग आ सकते हो, एंड उसके बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना, एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, उसके बाद पहले कहने को स्क्वीड वर्कर पे सेट कर लेना। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर दे। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। सबसे पहले तो हमारे सब्सक्राइबर्स में से बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता होगा कि कैसे गिल्ड बनाते, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा अभी के टाइम पे आप लोग गिल्ड बनाने जाओगे तो आपको अभी बहुत सारे न्यू सेटिंग, बहुत सारे न्यू चेंजेस मिलेगा। तो अगर आपको पहले से ही पता था तब भी आप लोग वीडियो को देखना, आपको बहुत सारा कुछ न्यू सीखने के लिए मिलेगा। क्या बात है। तो गिल्ड बनाने के लिए गाइस क्या करना है, सबसे पहले आपके जो गिल्ड का सेक्शन मिलेगा आपको इस पे क्लिक करना है, जो कि आपको इस सारे मिलेगा जैसे देख सकते हो। तो आपको इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप लोग पहले से कोई गिल्ड में होंगे तो आप लोग इस तरह का देख पाओगे, जैसे आप लोग देख सकते हो मैं पहले से एक गिल्ड के अंदर हूं, और मेरा ही गिल्ड है जो कि आप लोग देख सकते हो। और मैं खुद इधर से लीव करने वाला हूं, फिर एक न्यू गिल्ड बना के आपको दिखाऊंगा कैसे गिल्ड बनाते। तो देख सकते हो अगर आप लोग किसी का गिल्ड में होंगे तो किसी तरह से आपको देखने मिलेगा गिल्ड का सारा कुछ। तो सबसे पहले मैं अपने ओनरशिप को चेंज कर लेता हूं, एंड इसके बाद गिल्ड में लीव कर लेता हूं। तो यहां पे ट्रांसफर ओनरशिप, एंड इसके बाद ओनरशिप चेंज हो चुके। एंड इसके बाद गिल्ड लीव करने के लिए क्या करना है, आपको यहां पे क्लिक करना है, जैसे देख सकते हैं ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद ओके आएगा, आपको क्या करना है ओके पे क्लिक करना है, एंड इसके बाद आप लोग गिल्ड से बाहर निकल जाओगे। जैसे देख सकते हो यहां पे यू हैव लीव द गिल्ड, मतलब मैं अभी गिल्ड के अंदर नहीं हूं। जैसे आप लोग देख सकते हो यहां पे दूसरा बहुत सारे गिल्ड आ रहे हैं, अगर आप लोग यहां पे क्लिक करोगे तो आपका जो गिल्ड रहेगा पुराने वो आपको यहां पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, आपका पुराने जो गिल्ड है अगर आप लोग खुद का गिल्ड बनाना चाहते हो तो पुराना गिल्ड को छोड़ना पड़ेगा। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे गिल्ड का जो ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करने, एंड बेसिकली यहाँ पे गिल्ड का जितने भी काम होते हैं, गिल्ड का मैनेजमेंट वगैरह जितने भी कुछ होते हैं सब कुछ आपको यहाँ पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे गिल्ड का सेक्शन है, तो आपको यहाँ पे आ जाने। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको पहले बहुत सारे यहाँ पे गिल्ड मिलेगा, आप लोग अगर खुद का गिल्ड नहीं बनाना चाहते हो, दूसरे के गिल्ड में फिर से जाना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग जा सकते हो, या फिर किसी का गिल्ड का आईडी आपके पास तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके यहाँ पे जो आईडी है ना उसको डाल के यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। लाइक आपके पास कोई भी गिल्ड का आईडी है, एंड इसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है, उसके बाद वो जो गिल्ड का आईडी रहेगा, मतलब वो जो गिल्ड रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करके उस वाले गिल्ड के अंदर भी जा सकते हो। ठीक है, तो इन सब के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, मेन बात करते हैं कि कैसे आप लोग खुद का गिल्ड बना सकते हो, एंड उसके बाद बात करेंगे कैसे आप लोग मेरे गिल्ड के अंदर भी आ सकते हो। तो क्या करना है आपको गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट गिल्ड का, जो कि आप लोग देख सकते हैं नीचे आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट गिल्ड पे, एंड इसके बाद आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा आपके गिल्ड के लिए, आप लोग गिल्ड कैसे चाहते हो, किस तरह का गिल्ड चाहते हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा देख सकते हो बहुत सारे। तो सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलेगा इस साइड में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक यहाँ पे लोगो आ रहा है, तो इस वाले लोगो को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, चेंज गिल्ड बैज पे आपको क्लिक करने। यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे बैजेस वगैरह आ जाएगा, जैसे आप लोग देख सकते हो, एंड कुछ लॉक भी रहेगा आपको पहले लेवल 2 पे या फिर लेवल 4 पे ऐसे करना पड़ेगा गिल्ड को, एंड इसके बाद जाकर अनलॉक होगा, मतलब आप लोग यहाँ पे ये सब कुछ बाद में भी एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको चेंज गिल्ड बैनर पे क्लिक करने, बैज पे क्लिक करना है, इसके बाद आप लोग जो भी चूज करना चाहते हो चूज कर लेना, यूज कर लेना, एंड इसके बाद इसे आ जाएगा। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, गिल्ड का जो नेम रहेगा वो आपको डालना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा देख सकते हो, गिल्ड नेम करके आ रहे, स्क्वाड नेम करके आ रहे, तो यहाँ पे आपको नेम डालना पड़ेगा। तो आपका जो गिल्ड का नेम है आप लोग कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, 3 से 12 लीटर के अंदर आपको डालना पड़ेगा, तो कुछ भी आप लोग डाल सकते हो जो भी आपको डालना है। तो यहाँ पे आपको गिल्ड का नेम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप लोग कुछ भी नेम वगैरह डाल देना, एंड इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिज्यून का, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिज्यून का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। एंड अगर आप लोग बाहर का किसी सर्वर के अंदर हो एंड इंडिया सर्वर से खेलते हो तो आप लोग कुछ भी सिलेक्ट मत करना यहाँ पे, मतलब कुछ भी डालने का जरूरत नहीं है, या फिर इंडिया सेलेक्ट करना चाहते तो इंडिया आप लोग कर सकते हो। तो ऐसे मैं इंडिया करता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टेट का नेम, तो आप लोग जो भी स्टेट से हो आप लोग स्टेट भी डाल सकते हो, एंड नहीं भी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डालना चाहते हो डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, यहाँ पे मैंने वेस्ट बंगाल डाल दिया। एंड इसके बाद गाइस आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे स्टाइल का, तो यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन है, एंड यहाँ पे भी आपका ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डिफॉल्ट करके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करने, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्टाइल का, आप लोग कैसे स्टाइल का गिल्ड चाहते हो,
कैजुअल चाहते हो यानी कि एकदम नॉर्मल गिल चाहते हो, या फिर रैंकिंग ऐप मतलब जिस गिल के अंदर ज़्यादा बंदे मतलब रैंक आप करते रैंक पुश करते, एंड उसके बाद हार्ड कोर चाहते हो यानी कि जिस गिल के अंदर बहुत ही अच्छा प्लेयर हो, ज़्यादा रैंक वगैरह आप नहीं करते फिर नॉर्मल भी नहीं है, बस खेलना चाहते हैं मतलब बहुत ही अच्छा खेलते लेकिन रैंक वगैरह पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ऐसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंडीशन है, कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टाइल का जो कि आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो नॉर्मल गिल चाहते हो तो आप लोग कैजुअल कर देना, एंड इसके बाद अगर आप लोग रैंक आप करते हो रैंक पुश करते हो तो आप लोग यहाँ पे रैंकिंग अप कर देना, एंड अगर आप लोग बहुत ही अच्छा खेलते हो रैंक वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो तो आप लोग यहाँ पे हार्ड कोड कर देना। तो चलो यहाँ पे मैं हार्ड कोड कर लेता हूँ, यहाँ पे हार्ड कोड यहाँ पे सिलेक्ट करते, एंड इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा अप्रूवल मेथड करके जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा एक ऑटो एक अप्रूवल करके। अच्छा तो दोनों ही मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो अप्रूवल है ना यहाँ पे क्या होगा कि आपका गिल्ड के अंदर कोई अगर आना चाहेगा तो उसको पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, एंड ज्वाइन करेगा तो डायरेक्टली आपका गिल्ड के अंदर नहीं आएगा, आपको पहले उस वाले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब कोई भी आपका गिल्ड के अंदर आना चाहेगा तो उसको आप लोग आईडी दोगे या फिर किसी भी तरीके से अगर ज्वाइन पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आपका गिल्ड के अंदर नहीं ऐड होगा, आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसका ज्वाइन रिक्वेस्ट को, एंड उसके बाद जाके आपका गिल्ड के अंदर आएगा। एंड अगर आप लोग यहाँ पे ऑटो कर दे तो क्या होगा, डायरेक्टली बस ज्वाइन पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आपका गिल्ड के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग यहाँ पे अप्रूवल कर देना, जिससे यहाँ पे कोई भी बंदा आपका गिल्ड के अंदर नहीं आएगा, जो भी आप लोग एक्सेप्ट करोगे बस वही आ पाएगा। इसके बाद गाइस देख सकते हो अप्रूवल करने से नीचे एक और भी जो ऑप्शन आ रहा था सारे गायब हो चुके हैं सारे यहाँ पे देख सकते नहीं है। तो यहाँ पे अप्रूवल करने से आपको ज़्यादा कुछ और भी ऑप्शन वगैरह सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ऑटो करते हो तो आपको यहाँ पे नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा जो कि आप लोग देख सकते हो। तो ऑटो करते हो तो आप लोग ये भी सिलेक्ट कर सकते हो किस लेवल का बंदा आपका गिल्ड के अंदर आएगा या फिर किस रैंक का बंदा आएगा आपका गिल्ड के अंदर। तो अगर ऑटो करते हो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले लेवल का, तो लेवल का ऑप्शन भी आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कितने लेवल का प्लेयर आप लोग चाहते हो, कितने लेवल का प्लेयर आपका गिल्ड में आ पाएगा, तो क्या करना है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे 10 लेवल से 50 लेवल तक सिलेक्ट कर सकते हो, तो ऐसे आप लोग 50 कर देना अगर आप लोग ऑटो चाहते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड इसके बाद आपको बीआर रैंक का मिलेगा। तो रैंक कितना होना चाहिए जो प्लेयर आपका गिल्ड के अंदर आएगा उसका रैंक कितना होना चाहिए मिनिमम आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मिनिमम देख सकते हो कितना है सिल्वर ऑन से लेके यहाँ पे हीरोइक तक आ रहे, तो आप लोग यहाँ पे हीरोइक भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद सीएस रैंक का भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका हीरोइक का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग यहाँ पे हीरोइक सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप लोग ऑटो करते हो तो इस तरह से आपका ऑप्शन मिलेगा, आप लोग ये सब को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे अप्रूवल पे क्लिक करते हो तो आपको ये सब ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा जैसे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अप्रूवल ही कर लेता हूँ, एंड इसके बाद गाइस आपके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे स्लोगन करके, जहाँ पे आप लोग कुछ भी ले सकते हो, मतलब बस वेलकम का एक नोट है, मतलब जहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना है लिख सकते हो, जैसे आप लोग लिख सकते हो आप अगर प्रो प्लेयर हो तो आप लोग गिल्ड में आ सकते हो, तो ऐसे कुछ भी आप लोग लिख सकते हो जो भी आपका मन करे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कुछ भी। तो यहाँ पे आप लोग जो भी लिखना चाहते हो अपने हिसाब से लिख देना, जैसे आपका गिल्ड का नेम भी लिख सकते हो या फिर कुछ आप लोग चाहते हो जैसे किसी टाइप का प्लेयर चाहते हो तो उस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो प्रो प्लेयर ओनली एट गिल्ड ऐसे करके भी कुछ भी लिख सकते हो। एंड इसके बाद गाइस आपके यहाँ ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे गिल्ड क्रिएट करने का मेन ऑप्शन, जहाँ पे आपको डायमंड देने का ऑप्शन मिलेगा, एंड यहाँ पे पैसा देने का ऑप्शन मिलेगा, गोल्ड देने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग गोल्ड से भी बना सकते हो एंड यहाँ पे डायमंड से बना सकते हो, लेकिन भाई डायमंड से कौन बनाते हैं, हम लोग तो गोल्ड से बनाएंगे। तो अगर आपके पास गोल्ड है 5000 गोल्ड है तो आप लोग यहाँ पे बस क्लिक कर देना, एंड उसके बाद आपका गिल्ड क्रिएट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आप लोग टिक ही रख देना, जिससे क्या होगा कि आपका गिल्ड के अंदर लोग रिक्वेस्ट वगैरह कर पाएगा, तो पहले पहले आपको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 5000 गोल्ड पे क्लिक करना है, एंड इसके बाद आपका गिल्ड क्रिएट हो जाएगा जैसे आप लोग देख सकते हो। तो चलो हम लोग नेम डाल देते, हम लोग नेम नहीं डाले थे, चलो भाई। तो यहाँ पे गाइस मैंने नेम डाल दिया जैसे आप लोग देख सकते हो, एंड इसके बाद यहाँ पे 5000 गोल्ड पे क्लिक कर दे, एंड अगर आपका नेम अवेलेबल रहता है तो आपका गिल्ड क्रिएट हो जाएगा, एंड अगर अवेलेबल नहीं रहता नेम तो आपको फिर से नेम को एडिट करना पड़ेगा, एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पे गिल्ड बना पाओगे। जैसे आप देख सकते हो मेरा गिल्ड बन चुका है, यहाँ पे मैं गिल्ड बना चुका हूँ, एंड मेरा जो गिल्ड का लेवल है वो सिर्फ ऑन लेवल का है, एंड आप लोग जो भी रिवार्ड्स वगैरह मिलते हैं उसको ले सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे मेरा गिल्ड का आप लोग लेवल देख सकते हो, सिर्फ ऑन लेवल का गिल्ड है, एंड गिल्ड का जो आईडी रहेगा आप लोग इधर से ही देख सकते हो, जैसे आप लोग देख सकते हो मेरा गिल्ड का आईडी कितने है, समझ गया। तो यहाँ पे आपको आईडी मिलेगा, आईडी लिख के आप लोग किसी को भेज सकते हो, एंड उसके बाद आपके गिल्ड में आ सकता है कोई भी बंदा। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मेंबर लिस्ट का, मैं आपको एक एक दिखाता हूँ सारा क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिटेल का, सबसे पहले डिटेल का ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे देख, सबसे पहले एडिट करने का, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग एडिट कर सकते हो गिल्ड का जितनी भी कुछ रहेगा, मैंने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पे जितनी भी कुछ रहेगा फिर से आप लोग एडिट वगैरह कर सकते हो, जो भी आप लोग करना चाहते हो कर सकते हो। एंड गिल्ड को अगर डिलीट करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके गिल्ड को डिलीट भी कर सकते हो।
तो यहाँ पे जो भी करना है आप लोग कर सकते हो, अगर कुछ भी एडिट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मैसेज करने का, यहाँ से आप लोग मैसेज वगैरह देख सकते हो। गिल के अंदर अगर कोई मैसेज वगैरह करते जैसे ऐसे करके यहाँ पे मैसेज करते तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, जैसे देखते यहाँ पे आ चुके। एंड इसके बाद कैसे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा साइन इन का, मतलब जो रिवर्स मिलते फर्स्ट में गिल ओपन करने, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग इधर से कुछ भी रिवर्स ले सकते हो। एंड इसके बाद गिल बैडजेस का ऑप्शन मिलेगा इस साइड में देख सकते हो, यहाँ से भी आपको रिवर्स मिलते। तो यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे कोई भी, अगर कोई भी डायमंड वगैरह परचेस करते तो यहाँ पे कुछ रिवर्स वगैरह आ जाते हैं, आप लोग उसको क्लेम करके इधर से ले सकते हो। एंड इसके बाद गाइस नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मेंबर लिस्ट करके, जहाँ पे क्लिक करके आप लोग मेंबर वगैरह देख सकते हो। तो अपने गिल्ड का जितने भी मेंबर रहेगा सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे ज्यादा प्लेयर नहीं है, तो चलो मैं अपनी मेन गिल्ड के अंदर जाता हूँ एंड वहाँ पे जाके आपको सब कुछ दिखाता हूँ। चलो भाई, तो यहाँ पे गाइस जो मेंबर लिस्ट का ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग देख पाओगे सारे प्लेयर, यहाँ पे देख सकते हो जितने आपका गिल्ड के अंदर प्लेयर रहेगा सारे प्लेयर आप लोग देख सकते हो। इधर से उनको मैनेज भी कर सकते हो, जैसे किसी को ऑफिसर बनाना चाहते हो, किसी को गिल्ड का एक्टिंग लीडर बनाना चाहते हो, या फिर किसी को किक करना चाहते हो, आप लोग वो भी ऐसे कर सकते हो। तो क्या करना है आपको करके भी दिखा दो, किक वगैरह करके दिखा दो। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते एक बंदा आ रहा है, यहाँ पे एक दिन से ऑफलाइन है, तो यहाँ पे मैं इसको किक करूंगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इस पर क्लिक करने है। एंड इसके बाद यहाँ पे किक करने का ऑप्शन आएगा, जैसे आप लोग देख सकते हो आपको क्या करना है, यहाँ पे किक पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके करने। एंड इसके बाद बंदा किक हो जाएगा, जैसे आप लोग देख सकते हो किक हो चुके। एंड इसके बाद किसी को ऑफिसर बनाना चाहते हो तो क्या करना है, इस पर क्लिक करना। एंड इसके बाद यहाँ पे मेंबर पे क्लिक करने। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोमोट का, आपको बस प्रोमोट पे क्लिक करने। एंड इसके बाद जो बंदा रहेगा वो यहाँ पे ऑफिसर बन जाएगा। एंड अगर आप लोग उसको एक्टिंग लीडर बनाना चाहते हो गिल्ड का, तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो एक्टिंग लीडर का ऑप्शन आ रहा है, आपको बस इस पे क्लिक करने। एंड इसके बाद एक्टिंग लीडर भी बन जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग ऑफिसर वगैरह बना सकते हो। एंड इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट का, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हो कौन कौन आपका गिल्ड के लिए रिक्वेस्ट भेजा है। ऐसे आप लोग एक्सेप्ट भी कर सकते हो, जैसे आप देख सकते एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ रहा है या फिर कट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो एक्सेप्ट करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करना, एक्सेप्ट हो जाएगा, जैसे आप लोग देख सकते एक्सेप्ट हो रहा है। तो ऐसे करके आप लोग गिल्ड में प्लेयर ऐड कर सकते हो, ठीक है, समझ गया। एंड इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे टूर्नामेंट करके, जो कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लिक करने, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका गिल्ड के अंदर जो भी टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट हर शुक्रवार को होता है, शुक्रवार को आप सभी को गेम खेलना पड़ता है। गिल्ड का जितने भी प्लेयर है सभी लोग अगर गेम खेलेगा तो यहाँ पे कुछ डॉक्टर अकाउंट होता है जो कि ऑटोमेटिकली अकाउंट होता है, आपको क्लेम वगैरह करना नहीं पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली अकाउंट हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन आएगा, आप लोग क्लेम करोगे तो आपको यहाँ से कस्टम कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कस्टम कार्ड मिलते हैं, लास्ट का जो ऑप्शन है ना, यहाँ से कस्टम कार्ड मिलते हैं, तो क्लेम का ऑप्शन रहेगा, बस क्लेम करना। अगर 1800 डॉक्टर हो जाता है तो क्लेम करना है आपको। एंड उसके बाद आपका मेल बॉक्स के अंदर कस्टम कार्ड आ जाएगा। Nice. तो कुछ इस तरह का था गाइस यहाँ पे गिल्ड का सेटिंग्स वगैरह, जो भी कुछ मैंने आपको बता दिया कैसे गिल्ड क्रिएट करने भी मैंने आपको दिखा दिया। तो आई आपको अभी पता चल चुका है कैसे गिल्ड बनाते हैं। तो अभी कैसे हम लोग बात करते हैं आप लोग कैसे मेरे गिल्ड के अंदर आ सकते हो। तो अगर आप लोग मेरे गिल्ड के अंदर आना चाहते हो तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और एक वीडियो का लिंक मिलेगा, आप लोग उस वाले वीडियो को जाके देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बताया कि आप लोग कैसे मेरे गिल्ड के अंदर आ सकते हो। तो उस वाले वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा एकदम प्रॉपरली कैसे आप लोग मेरे गिल्ड के अंदर आ सकते हो। इस बार में इतना था, अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर लेना एंड सब्सक्राइब नहीं करे अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लेना, उसके बाद एक बेल आइकन को सेट कर लेना। तो वो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।